ओके, हम गेम खेलते टाइम मैप में इधर उधर कितना भागते हैं, लेकिन शायद ही कोई ये जानता हो कि 500 मीटर दौड़ने में हमें फ्री फायर में कितना टाइम लगता है। कोई जानता है क्या तो मुझे कमेंट कर दो, नहीं जानते ना देन वीडियो को एंड तक देखना। आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्री फायर में हम जो चीज रोज यूज करते हैं ना उसका हम आज टाइमिंग निकालेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, हम गेम खेलते टाइम एरोप्लेन से कूदते हैं, बहुत ही ज्यादा कूदते हैं, लेकिन शायद ही ये कोई जानता होगा कि एरोप्लेन से नीचे आने में कितना टाइम लगता है। आप जानते हो क्या तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, नहीं जानते दिन मैं बताऊंगा। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एरोप्लेन में, और यहाँ पे हम बढ़िया सी जगह देख के कर देंगे जंप। सो यहाँ पे मैंने जंप कर दिया, और देखो साइड में टाइमिंग भी लगा दिया जिससे हमें पता चले कि नीचे जाने में हमें कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही मैं कूद दिया, ठीक है, कोई स्किल वगैरह यूज नहीं किया। लाइक फाल्को यूज करता तो यहाँ पे हम तेज लैंडिंग कर देते, लेकिन विदाउट स्किल मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और टाइम लगा है 29.44 सेकंड, यानी कि 29.29 सेकंड जितना टाइम लगा, लगभग 29 से 30 सेकंड हमें लग सकते है ऊपर से नीचे आने में। वाकई में यार एरोप्लेन बहुत ही ऊपर उड़ता है, साला हमें आधा मिनट लग जाता है ऊपर से नीचे आने में। अब हम जानते हैं कि 500 मीटर दौड़ लगाने में हमें कितना टाइम लगता है। देखो यार, दौड़ लगाने में ना मैंने बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि यार मैं रैंक में दौड़ लगाने चला गया ना, तो साला मैं दौड़ लगाते टाइम अपना रैंक माइनस किया है ना, वो मैं ही जानता हूँ, इसीलिए मैंने क्लासिक में किया। तो देखो यहाँ पे 1000 मीटर की दूरी है ना, सो हम 500 मीटर दूर जाके खड़े रहेंगे। सो यहाँ पे मैंने भागना कर दिया है स्टार्ट, और साइड में टाइमिंग भी ऑन कर दिया है। सो कितना टाइम लगेगा क्या सोचो गाइस, जल्दी से सोचो और मुझे कमेंट करो। और मैंने कोई ऐसी स्किल यूज नहीं की है जिससे कि मैं तेज भाग सकूं, लाइक कैली। अगर मैं कैली का यूज करता तो मैं तेज भी भाग सकता था, लेकिन नॉर्मल तरीके से हम कितने टाइम पे पहुंचते हैं मुझे ये देखना है, और आपको भी बताना है, क्योंकि आज तक किसी ने ये चीज नोटिस ही नहीं की होगी कि हम 500 मीटर दौड़ लगाने में फ्री फायर में कितना टाइम लगता है। ऊपर से क्लासिक के बोट भी परेशान कर रहे थे, साले कैसे डैमेज दे देते हैं। देखो यहाँ पे यार मत मार, मुझे फिर से दौड़ लगानी पड़ेगी। दो गोली मार दिया, देखो शायद से उसके पास वुड पैकर है। मेरे भाई रहने दे, तुझे मैं दो हाथ जोड़ता हूँ, अभी मत मार, मुझे 500 मीटर की दौड़ लगाने दे, बाद में मेरा मुंडी भी लेके जाना और अपने माँ बाप को दे देना कि मैंने खून कर दिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू, तेरे से एक गोली नहीं लग रही, शुक्र करो भगवान की मैं बच गया, वरना मेरी 500 मीटर की दौड़ खत्म नहीं होती। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं 500 मीटर की दूरी पे। देखो यहाँ पे 500 मीटर बचा है, यानी कि 500 मीटर की दौड़ हमने लगा दी, और टाइम कितना लगा है 1 मिनट और 31 सेकंड, यानी कि 1.5 मिनट हमें लगा 500 मीटर दौड़ने में, हमें 1.5 मिनट लगा। यार वाकई में टाइम बहुत ही ज्यादा लगा। सो अब हम देखते कि फ्री फायर में ऊंची जगह से नीचे कूदते हैं ना तो हमें कितना टाइम लगता है। लाइक भीमा शक्ति का ये बड़ा सा टावर है ना, तो इस पे से हम कूदेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। सो मैं उतरा हूँ यहाँ पे टावर पे, लेकिन मेरे साथ एक एनिमी उतरा है ना, तो साला खा पी के मेरे पीछे पड़ गया है। भाई तू मेरे पीछे अभी मत आ। और यहाँ पे मैंने जंप कर दिया और हमें टाइम लगा है 4 सेकंड का। तो मुझे नहीं लगता कि फ्री फायर में आज तक किसी ने इस तरीके से टाइमिंग निकाला होगा जो मैं आज कर रहा हूँ। तो मुझे सपोर्ट करो यार, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जीप लाइन से इस पार से उस पार जाने में हमें कितना टाइम लगता है, वो भी सबसे बड़ी वाली जीप लाइन जो पीक और क्लॉक टावर के बीच में है ना, ये जीप लाइन सबसे बड़ा है और इसका हम टाइमिंग निकालेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मस्त इमोट दिखा के यहाँ पे मैंने जीप लाइन को पकड़ लिया है। यार मैं जीप लाइन से भी जा रहा था ना, तो 2-3 बार मैंने ऐसे ट्राई किया ना, तो साले क्लासिक के बोट ने भी मुझे मार दिया। तो जब तक हम क्लॉक टावर पे पहुंचते हैं ना, तब तक यार वीडियो के लाइक पे चप्पल फेंक दो, और हाँ चप्पल मत फेंकना, स्क्रीन टूट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्लॉक टावर पे। पीक से क्लॉक टावर आने में हमें टाइम लगा है 27 सेकंड का, 27 सेकंड। तो जीप लाइन से दूरी तय करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि क्लॉक टावर और पीक की दूरी बहुत है, लेकिन जीप लाइन से हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यार क्लॉक टावर और पीक में आपको जाना है ना, तो दौड़ो मत, ये जीप लाइन यूज करो, जो कि मैं हमेशा यूज करता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टाइम कितना लगता है, लेकिन आज पता चल गया कि इतना टाइम लगता है। आपको भी टाइम पता चल गया ना? और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। सो चलो गाइज, बाय बाय।